नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुषमा। स्वागत है आपका हमारे बेहद खास प्रोग्राम क्या कहते हैं मुख्यमंत्री में। तो आपको बता दें कि सूबे के मुखिया अशोक गहलोत हमेशा प्रदेश के विकास में जुटे रहते हैं। गहलोत अपने भाषणों में हमेशा विकास का जिक्र करते रहते हैं और प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से राहत मिले इसकी कोशिश करते रहते हैं। इस प्रोग्राम में बात गहलोत की उन बातों की हम करते हैं जिसमें गहलोत प्रदेश की जनता को कोई ना कोई संदेश देते दिखाई देते हैं या फिर आम जनता को सौगाते देते नजर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सिलसिला। तो सबसे पहले बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 29 जनवरी के भाषण की करते हैं। 29 जनवरी को मुख्यमंत्री गहलोत ने जोधपुर में छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की और छात्रों को संबोधित किया। छात्रों को संबोधित करते हुए किस तरीके से इंस्पिरेशन का काम किया मुख्यमंत्री ने, वो आपको दिखाते हैं। मुझे भी छात्र राजनीति करने का अवसर मिला और पहला इलेक्शन लड़ा मैंने जब स्कूल में था, 8th क्लास के अंदर। वो चुनाव में 4 वोट से हार गया था। उसके बाद में चुनाव लड़ा मैंने छात्र संघ अध्यक्ष का इसी विश्वविद्यालय से और वो चुनावी में करीब 400 वोट से चुनाव हार गया था। 2 हार हो गई। तीसरी बार मैं NSU का अध्यक्ष बन गया था राजस्थान का। NSU यार मेरी कमजोरी है। NSU के नौजवानों को मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े। किस प्रकार बढ़े, इस प्रकार मेरी सोच रहती है। और उसके बाद में मैंने चुनाव लड़ लिया विधानसभा का 77 के अंदर, जो मैं NSU का अध्यक्ष था तब। वो चुनाव में करीब 4000 वोट हार गया। 3 हार लगातार मेरी हुई है जिंदगी के अंदर। उसके बाद में मैं 1979 में मैं सीधा लोकसभा में चुनाव में खड़ा हुआ। आप सबकी दुआओं से जो उस वक्त मैं पैदा हो गए थे उनके लिए कह रहा हूँ। आप सब तो नए नए भी होंगे, परंतु उस वक्त मैं एक माहौल बना और मुझे मेंबर पार्लियामेंट चुन लिया गया। इस प्रकार मैंने शुरुआत करी। 5 बार मैं लोकसभा का मेंबर चुना गया से। 3 बार मैं केंद्रीय मंत्री बना, इंदिरा गांधी जी के साथ में, राजीव गांधी जी के साथ में, नरसिम्हा राव जी के साथ में। 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना राजस्थान के अंदर। 2 बार मैं AICC का महामंत्री बना और 3री बार मुझे मुख्यमंत्री के रूप में प्रथम सेवक के रूप में काम करने का सौभाग्य इस बार मिला है। इस बार आप सबकी दुआएं, आपका सहयोग, समर्थन पूरी तरह मेरे संग रहा और सुनील चौधरी ने भी कमी नहीं रखी। पूरे कैंपेन में उसने अच्छा भाग लिया। उस पर नेतृत्व की क्षमता है, योग्यता है। आपने सही चुनाव किया, इसके लिए मैं तमाम छात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि सुनील चौधरी आपकी पैरवी करेंगे। जैसे अभी वो चिंता कर रहे थे विश्वविद्यालय के बारे में, ये अच्छी बात लगी मुझे कि छात्र संघ का अध्यक्ष जो है अपने विश्वविद्यालय की चिंता करता है, कैसे वो वित्तीय रूप से संकित हो, मजबूत हो, किस प्रकार वाली समस्याओं का समाधान हो। अभी तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे अचानक अभी कहा गया है, वरना मैं मालूम करके आता जयपुर से ही किस विश्वविद्यालय की क्या समस्या है, क्यों समस्या पैदा हुई है। कई विश्वविद्यालय हैं जो वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं और कैसे समाधान हो। मैंने विशी साहब को कहा है कि कभी आप जयपुर आएंगे तो मैं बैठ के बात करके प्रयास करेंगे कैसे रास्ता निकल सकता है। बाकी जो बातें कही गई है, मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि नौजवानों का भविष्य देश में बहुत उज्ज्वल है। 3/4 आबादी आज देश की हो गई है युवाओं की हो गई है। युवाओं के सामने चुनौती भी है, उनके रोजगार की भी और नौकरी की भी। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, जो माननीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। उनकी सोच रहती है कि किस प्रकार से हम लोग आने वाले वक्त के अंदर किसान की बात करें, युवाओं की बात करें, उनके रोजगार की बात करें। रोजगार अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने, चाहे सरकार किसी पार्टी की हो। ये चुनौती हमारे सामने है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए और हल करने के लिए सबको आगे आना चाहिए। और वैसे ये इतिहास गवाह है कि हमेशा युवाओं का हम लोगों ने ध्यान रखने का प्रयास किया। मुझे याद है कि जब मैं मंत्री था राजीव जी के साथ में, 18 साल के
नौजवानों को पहले मत देने का अधिकार नहीं था, 21 के बाद में शुरू होता था। जब वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने पहली बार देश के अंदर आज़ादी के बाद में 18 वर्ष के नौजवानों को देश की तकदीर का फैसला करने में 18 साल के नौजवान की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, उन्होंने कानून बना करके उसको अधिकार दिया नौजवान को। राजीव गांधी थे जिन्होंने गाँव में और शहरों में जो चुनाव होते हैं नगर पालिकाओं में स्थानीय निकायों में पंचायतों में उसमें 73-74 अमेंडमेंट किए कैसे इनको टाइम पे चुनाव हो और भागीदारी मिले नौजवानों को, छात्राओं को, महिलाओं को, सबको भागीदारी मिले। इसी प्रकार 21st सेंचुरी की बात उन्होंने कही पहली बार, क्योंकि 21st सेंचुरी में जाने में प्रवेश करने के लिए आह्वान किया उन्होंने इसलिए किस प्रकार से हम नौजवान पीढ़ी को आईटी के सेक्टर में कंप्यूटर के अंदर हम लोग इस प्रकार से प्रवेश करें नई शताब्दी में कि वो पूरी तैयारी के साथ में जा सके। मुझे खुशी है कि आज कंप्यूटर का युग आ गया है, मोबाइल फ़ोन हर हाथ के अंदर है और अपना देश हिंदुस्तान, अभी हरीश चौधरी जी कह रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ के नौजवान दुनिया भर में छा गए हैं आईटी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, इतना उनका दिमाग है। ये सपना राजीव गांधी जी ने देखा था, इस रूप में ये देश आज आधुनिक देश बना है। जिस मुल्क में सुई नहीं बनती थी आज़ादी के वक्त में, बिजली क्या होती थी लोगों को नहीं मालूम था, उस मुल्क को आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है ये आप सबके सामने हैं। आप लोग सब समझते हैं इन बातों को, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपको मालूम है। फिर भी राजनीति में कई बार जुमले बोले जाते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, अरे भाई 70 साल में कांग्रेस ने लोकतंत्र को जिंदा रखा, आधुनिक देश बनाया। लोकतंत्र नहीं रहता अगर तो आज कैसे तो प्रधानमंत्री बनते नरेंद्र मोदी जी, कैसे बनती वसुंधरा जी मुख्यमंत्री, तब बनी है लोकतंत्र कायम है देश के अंदर। पाकिस्तान की तरह यहाँ पर सैनिकों का शासन नहीं हुआ, बंदूकों का शासन नहीं हुआ है, यहाँ पर लोकतंत्र को जिंदा रखा है। इंदिरा गांधी जी की जान चली गई हो पर देश को खालिस्तान नहीं बनने दिया, एक रखा अखंड रखा, सीना छल नहीं कर दिया गया उनका भी। राजीव गांधी शहीद हो गए पर मुल्क एक रहा है, अखंड रहा है। ये हमारी उपलब्धि है कि ये सोच हमारे सब लोगों के अंदर है, हम सब जो बैठे हुए हैं यहाँ, चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उनके दिल में जज्बा रहता है, चाहे हमारी जान चली जाएगी परवाह नहीं करेंगे पर देश को एक रखेंगे, अखंड रखेंगे, ये जज्बा हम लोगों के अंदर है और इसी रूप में हम लोग काम करना चाहते हैं। और मैं इसलिए कहना चाहूँगा, राजस्थान गवर्नमेंट नई नई बनी है, अभी हमने कई फैसले किए हैं, उसमें बेरोजगारी भत्ता भी है, पहले 600 रुपये मिलते थे, हमने मैनिफेस्टो में लिखा है 3,500 रुपये मिलेंगे प्रति नौजवान को जो बेरोजगार होगा, वो स्कीम हम चालू रखेंगे और जल्दी उसके ऊपर जल्दी फैसला करने जा रहे हैं, जो 3,500 रुपये प्रतिमा नौजवान को मिलने लग जाए, ये हमारे एजेंडा के अंदर है। किसान का कर्जा माफ़ करने का हमने फैसला किया है, आप सबको मालूम है, किसान को भी हमने तवज्जो दी है क्योंकि आप लोग भी गांवों से आते हैं, उनका बैकग्राउंड किसानी से है, हम जानते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। बिजली की बात हो चाहे कर्जा माफ़ की बात हो, सरकार बनते ही जो वादा हमने किया था मैनिफेस्टो के अंदर, जो राहुल गांधी जी ने वादा किया था पब्लिक से, हम वादे को निभाने के लिए सरकार बना के आगे काम करना चाहते हैं, ये इस मुबारक मौके पर मैं कहना चाहूँगा। इसलिए मैं आपको आह्वान करूँगा कि वर्तमान पीढ़ी को चाहिए देश के अंदर क्या हो रहा है, क्या घटनाएं हो रही है, क्या दुर्घटनाएं हो रही है, कैसा माहौल है, हमें क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ाना देश को, ये चिंता भी प्रत्येक छात्र में होनी चाहिए। और अब बात गहलोत के 28 जनवरी 2019 के उस भाषण की करेंगे जो उन्होंने डूंगरपुर में दिया था। गहलोत ने किसान सम्मेलन में लोगों को संबोधित किया और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री कांग्रेस शासन की योजनाओं का जिक्र भी यहां पर करते हैं। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहली बार मुझे आने का सौभाग्य मिला आपके गाँव में। आपका प्रेम, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मैं दिख रहा हूँ। कल आया हूँ मैं पाठशाला के अंदर, आज मैं सुबह रवाना हुआ, यहाँ पहुँचने में देरी इसलिए हुई, रास्ते भर जो लोगों ने आशीर्वाद दिया, स्वागत किया, सत्कार किया, ज्ञापन दिए,
बस लग गया। मैं माफी चाहता हूँ कि आने में बहुत देरी हुई, फिर भी आप लोग सब यहाँ जमे रहे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और ये जो प्रतीक भी है कि आपका हम लोगों के प्रति जो प्यार है, जो स्नेह विश्वास है, उसके खातिर आप लोग इंदिरा का नाम मंजूर किया, मुझे बात की बहुत प्रसन्नता है। सरकारें बदलती रहती है, पिछली बार भी हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, देख पाओ नई सरकार आई, बहुत भारी बहुमत आई थी, पर हम देखा कि उसके बावजूद भी जितना काम करना चाहिए था उनको, उसके अनुपात में कुछ भी नहीं किया। भारी बहुमत मिला, 163 सीटों को मिला, पर लोगों की आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, नौजवानों की थी, जो हमारे संविदा कर्मी हैं, शिक्षा कर्मी हैं, एनआरएचएम के भाई हैं, नौकरी के लिए जो मारा मार फिरते हैं, समझिए कई तरह की थी, किसानों की भी थी, नौजवानों की थी, ऊपर से महंगाई की मार, परवाह किसी ने नहीं करी। इस माहौल में 5 साल निकले हैं, दिल्ली की सरकार के भी, राजस्थान सरकार के भी। दिल्ली की सरकार ने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए, मोदी जी ने, महंगाई में कम कर दूंगा, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा मैं प्रतिवर्ष, दुनिया के मुल्कों से मैं काला धन लेके आ जाऊंगा, 1 रुपए लेके नहीं आया, नौकरी को पता ही नहीं, महंगाई की मार सबको मालूम है क्या स्थिति रही है, और किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, चारों ओर घृणा का, नफरत का, अविश्वास का माहौल है। इस रूप में 5 साल गुजरे हैं, जो काम रोक दिए पिछली सरकार ने वो हमारे समझ के परे है। हम लोग रेल लाइन ला रहे थे, बांसवाड़ा जिले में रेल लाइन है ही नहीं, डूंगरपुर जुड़ा हुआ अहमदाबाद से, उदयपुर से, हम चाहते थे कि किस प्रकार से रतलाम से बांसवाड़ा डूंगरपुर जुड़ जाए, जिससे कि आप तमाम लोग पूरे देश से जुड़ जाए। पता नहीं हमने 200 करोड़ जमा करवा दिए, आधा अधूरा काम कुछ शुरू हुआ, वो बंद पड़ा हुआ, किसानों को कहे हुए अभी तक पहले एक्वायर करी जमीन, उसके पूरे दाम भी नहीं मिले। अब हम लोग आपके आशीर्वाद से वापस सरकार में आए हैं, हम चाहते थे पहले बिजली घर लगे बांसवाड़ा में, रेल लाइन आए, तो सरकार हमारी थी दिल्ली के अंदर, अब वापस कोशिश करेंगे कि क्या क्या काम हम कर सकते हैं, उस पर हमारी प्राथमिकता रहेगी। आपका अपना क्षेत्र जो आदिवासी है, सबसे पिछड़ा हुआ है, सदियों से संघर्ष करता हुआ आ रहा है, अकाल सूखे की मार झेलता आ रहा है, रोजगार के साधनों का अभाव, नौकरियों का अभाव, खेती की जमीनें बहुत कम है, उसके कारण से पूरी आमदनी होती नहीं है, सब अभाव अभाव थे पहले। हम लोगों ने कोशिश करके आपके रिजर्वेशन का काम काफी हद तक हल किया, आज पिछले 5-7-8 साल से पहली बार बड़ी मात्रा में डॉक्टर बनने लग गए हैं आदिवासी हमारे नौजवान साथी, इंजीनियर बनने लग गए हैं, लगने लगा है कि हमारी नई पीढ़ी को आने वाले वक्त में अच्छी से अच्छी नौकरी मिलेगी, बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, अपने इलाके के बारे में सोच रखेंगे, तो आने वाले वक्त में और ज्यादा कैसे विकास हो, पूरे टीएसपी एरिया का उस पर ध्यान देंगे, ध्यान दिलवाएंगे सरकारों का, सरकारें किसी पार्टी की हो, अगर वहां ऐसे नौजवान होते हैं जो बात करते हैं, बात को समझाते हैं, आंकड़े बताते हैं, तो कई काम होते भी हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी जी ने हमें कह रखा है कि प्राथमिकता हमारी
गरीब आदमी होना चाहिए। प्राथमिकता हमारी जो क्षेत्र आदिवासियों के हैं, पिछड़े हैं, किसानों की समस्याएं हैं, नौजवानों की समस्याएं हैं, वो एजेंडा राहुल गांधी का एजेंडा है। कैसे महंगाई कम हो, उस रास्ते में हम लोग चल पड़े हैं। इसलिए आते ही हम लोगों ने, आप देखा होगा, किसान कर्ज माफ करने की हमने घोषणा कर दी और जल्दी माफ होने लग जाएगा आपका कर्ज का, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कॉपरेटिव बैंक के तो पूरे कर्ज माफ होंगे सब लोगों के, और चाहे ग्रामीण बैंक हो चाहे देसराज बैंक हो, उनके कर्ज माफ करने का भी हम लोगों ने बैंकों ने बात करना शुरू कर दी। पेंशन मिलती थी आपको 500 रुपए, वो हमने सरकार मंत्री 750 रुपए कर दी। पेंशन जो मिलती थी 750 बुजुर्गों की, उनका 1000 रुपए कर दिया है, 3 महीने लग जाएगा। हमने कई फैसले किए, उसमें जो हमारे पहले सरपंच अनपढ़ होता था तो बन सकता था, तो किया सरकार ने, हमने कहा एमएलए एमपी अगर अनपढ़ बन सकता है तो गांव का वार्ड पंच सरपंच क्यों नहीं बन सकता है। हमने वापस व्यवस्था शुरू करी है। किसानों के लिए हमने किसान आयोग बनाया है, जिससे कि किसानों की समस्याओं का समय समय में निदान हो। इस प्रकार से कई फैसले सरकार ने आते किए हैं और कई फैसले हम लोग चाहेंगे कि बिजली कनेक्शन देने की बात हो, 1 लाख कनेक्शन देने की मैंने कहा कि जून तक दे दिए जाएंगे किसानों को, वो लग जाए, 5 साल तक कोई धरनी बढ़ेगी किसानों के लिए बिजली की। ये तमाम बातें आपकी नजर में है और मैं इसे भी कहना चाहूंगा कि आकाश रुके में भी आप मान देते आए थे, जमाना था जब पहली बार आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, उस वक्त हम लोगों ने जो ध्यान रखा, काम के बड़े अनाज योजना, घर घर में गांव पहुंचाने की बात हो, जिसने काम किया, कम किया ज्यादा किया, उसकी बजाय ध्यान दिया गया कि कोई आदमी तकलीफ में नहीं रहे। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर राजधानी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की और इस दौरान गहलोत ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया और साथ ही केंद्र से भी मांग उठाई कि राजस्व की चिंता छोड़कर सिगरेट समेत अन्य तंबाकू उत्पादों पर देश भर में प्रतिबंध लगना चाहिए। सरकार ने कई कदम उठाए, पहला सुख निरोगी काया और ये हकीकत है, कोई कितने अमीर व्यक्ति हो और वो अगर बीमार रहता है तो उसकी अमीरी किस काम की होती है। एक कहावत मैंने सुनी थी कि साइड सेठ साहब 7वीं मंजिल पे 4वीं मंजिल पे खड़े थे अपने भव्य बिल्डिंग पे, नीचे कोई ढाबा था, एक मजदूर आराम से बैठ के खाट पे खाना खा रहा था आराम से, ऊपर सेठ साहब खड़े खड़े सोच रहे थे मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत भी है, सब कुछ संपत्ति भी है, कमी नहीं है, पर मैं एक चपाती नहीं खा पाता हूँ। ये मजदूर कितना आनंद से भोजन का साथ ले रहे, उस वाली बात है कि पहला सुख निरोगी काया। उसी रूप में अगर आप बीमार हो तो आप सेठ हो या साहूकार हो, बीमार है तो वो सुख नहीं उसके जीवन के अंदर। तो उस बीमारी का लक्षण ये भी है कि आज अभी डॉक्टर समित शर्मा कह रहे थे कि इससे चाहे किडनी हो चाहे अन्य रोग हो, कोई भी रोग हो सकता है। जब मैं पहले पिछली बार मुख्यमंत्री था तब दूसरी बार बना तब समित शर्मा ही हमारे साथ थे, इन्होंने ही ये आइडिया दिया, मैं इनको साधुवाद देता हूँ। और उनके कारण ही मैंने निश्चय किया कि हमें फ्री मेडिसिन स्कीम चालू करनी चाहिए। चालू हुई, करीब 600 दवाएं शुरू हुई, अब करीब 104 दवाएं और मिला रहे हैं, 700 के करीब दवाएं पहुंच चुकी हैं। और जिस रूप में स्कीम सफल हुई है, पूरे मुल्क में प्रसन्नता हुई, उसकी बहुत प्रशंसा हुई, दुनिया में WHO तक में
उसको अप्रिशिएट किया, अवार्ड मिला, राजस्थान को अवार्ड का इनाम भी दें हैं। इस रूप में फिर हमने फ्री मेडिसिन के साथ में फ्री जांचें शुरू करी, चाहे वो डायलिसिस हो, बहुत महंगा होता है, ब्लड टेस्ट हो, सोनोग्राफी हो, अगर ज़्यादा बुजुर्ग हैं सीनियर सिटीजन तो ऐसे में इसके अंदर MRI और CT स्कैन फ्री है। हम चाहते हैं ये कल्पना और आगे बढ़े। राजस्थान पूरे देश में मॉडल के रूप में आ गया है, आ चुका है और मजबूती से अभी मॉडल है देश के अंदर। वर्तमान प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने अपनी टीम भेजी यहाँ पर, टीम बुलाई यहाँ से। अभी जो आयुष्मान भारत के नाम से योजना चालू की है वो राजस्थान के मॉडल के रूप है, जिसके कारण से एक सोच पैदा हुई देश के कई राज्यों के अंदर। आज करीब 12-13 राज्यों में निःशुल्क दवा योजना की योजना लागू हुई होगी, शुरुआत राजस्थान हुई। इस बात के लिए मैं समझता हूँ कि राजस्थान के मामले में पायलट दे रहा है, और उसी रूप में युग बदल गया है, टाइम बदल गया है। हमारे मुल्क को भी आज़ाद हुए, हार्ट की किडनी की अभी कुछ समय कह रहे थे आपको, कैंसर की दवाएं को फ्री करने का हमने घोषणा कर रखी है। आचार संहिता कांड से जो प्रोसेस होता है रुक जाते हैं, उसके लिए मैं अलग से पत्र लिख रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि कृपा करके कुछ मॉडिफाई करो कोड ऑफ कंडक्ट को, तमाम गवर्नेंस के काम रुक जाए किसी गवर्नमेंट के, तो उसका खामियाजे जनता को भुगतना पड़ता है। सरकार बनते ही करीब 2.5-3 महीने हो गए इस बात को लेकर के, तमाम सरकारों का काम रुक जाते हैं, चाहे किसी पार्टी की सरकार। तो ये हम लोग कोशिश करें कि कैसे हम जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाएं वो दवाएं जो महंगी होती है, हार्ट की, किडनी की, कैंसर की। ये जो 4 दवाइयाँ का सिलेक्शन किया गया है उसके ऊपर काम चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ वो जल्दी काम पूरा होगा। और भी कई तरह के फैसले सरकार करने जा रही है, पर मैंने कहा अभी जमाना बदल गया है, हम लोग भी विकसित राष्ट्र बन गए हैं या बनने जा रहे हैं। जो राजीव गांधी का सपना था, जब वो प्रधानमंत्री बने मैं उनके साथ मंत्री था केंद्र में टूरिज्म सिविल एविएशन, उस वक्त उन्होंने कहा था कि इस मुल्क को हमें नई शताब्दी में ले जाना है। लोग उसको समझ नहीं पाते, वो 20वीं शताब्दी थी, उसमें हम लोग डेवलपिंग कंट्री के रूप में माने जाते थे। उनके मायने थे कि नई शताब्दी में जाएं तो हम लोग ऐसी स्थिति में जाएं तैयारी के साथ में, जिससे कि नई शताब्दी कम से कम उस शताब्दी दरमियान में हम लोग भी विकसित राष्ट्र श्रेणी में आ सके, जहाँ पर सोशल सिक्योरिटी भी होती है, जहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी होती है। हमारे देश की तरह भुखमरी, गरीबी और BPL की स्थिति नहीं बनती है विकसित राष्ट्रों में, ये सोच करके उनका सपना था। और आधुनिक विज्ञान तकनीकी का उपयोग हो, आज कंप्यूटर आ गए, आज ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल, पूरी एक रिवॉल्यूशन हो गया है, दुनिया मुट्ठी में आ गई है। नौजवान तो देख रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको आप गूगल के बारे में ले सकते हैं, हालांकि उसका राजनीतिक रूप में दुरुपयोग होने लग गया है, वो एक अलग चैप्टर है। परंतु ये राजीव गांधी का सपना था कि आज हम लोग पहुँचे हैं। पिछली बार UPA गवर्नमेंट थी, उसमें पहली बार आज़ादी के बाद में अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई, लोग समझ नहीं पाए थे। राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत क्रांतिकारी काम था, हर व्यक्ति को अधिकार मिल गया सूचना लेने का। राइट टू एजुकेशन एक्ट बना पार्लियामेंट का, RTI, RTE, फूड सिक्योरिटी एक्ट, नरेगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम गरीब को ये क्यों बांटते हैं, ये
एक बात फैलाई गई थी कि तो इसलिए बांटे जाते हैं कि जो टैक्स आता है इनको खुश करने के लिए बांटा जाता है, वो बात नहीं। जो पेंशन स्कीम थी हमारी पिछली गवर्नमेंट की बहुत पॉपुलर हुई थी, तो पूरे देश के अंदर है, कोई अमाउंट कम देते कोई ज़्यादा देते, पर आज जमाना आ गया है और वो भी इन बातों जुड़ी हुई बातें होती है। जब गरीबी होती है, गुर्बत होती है, इंसान परेशान होता है, मुश्किल में होता है, तो कई बार उसके कान में शराब पीता है, नशा पता करता है, उसकी तरफ जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जिंदगी की गुणवत्ता अगर अच्छी है तो फिर एक वर्ग ऐसा होता है विकसित राष्ट्र की तरह जो ड्रिंक करता होगा, अपने तरीके से करता होगा, पर आज जो ड्रिंक होता है कोई वो क्वालिटी नहीं होती है, चाहे वो जर्दा हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, शराब हो। और इसीलिए कई बार सोशल सिक्योरिटी लागू करनी पड़ती है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि आप सब जागरूक लोग हैं जो आप आए हैं, इस विशेष मकसद के लिए आए हैं, और हम लोग कैसे आने वाले वक्त के अंदर चेतना का माहौल बनाएं, इसके जो हानि होती है उससे अवगत कराएं लोगों को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना है।